Hello everyone, I'm back with another video. Obviously, independence movement in Madhya Pradesh. जैसे कि हमने देखा कि हमने मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो आई हैव टू स्टॉप इन बिटवीन है ना, पूरी नहीं हो पाई थी वो वीडियो. उस वीडियो में कुछ मूवमेंट्स जो एडिशनल मूवमेंट्स थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड वो, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो हमने स्किप कर दी थी. ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे. ठीक है, तो देखिए हम शुरू करेंगे. ये देखिए अदर मूवमेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहला इंसिडेंट देखते हैं हम क्या देखिए, ये हमने जो प्रॉपर बड़े बड़े आंसर्स थे 11 मार्क्स से 5 मार्क्स वाले वो तो हमने देख ही लिए हैं, लेकिन ये क्या होता है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है आ जाते हैं ना, कि आप चरण पादुक मूवमेंट जस्ट इन 3 मार्क्स व्हाट यू हैव टू राइट, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, तो बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो इस हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो कसाई खाना मूवमेंट 1930 ईयर मैंने यहीं पे मेंशन करके लिखा हुआ है. ठीक है ना, कसाई खाना मूवमेंट 1930. ठीक है, इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे हमारे, इसके मेन लीडर थे हमारे माखन लाल चतुर्वेदी. ठीक है, ये हमको इसके अपने मेन लीडर मिलते. कसाई खाना क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है ना जो जानवरों को जो स्किन वगैरह उनकी निकाल कर और यूज़ करते, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करा था. ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी ने, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, किस जगह से करा था, सागर का रतौना. ठीक है, रतौना एक जगह है सागर में, वहाँ से इन्होंने ये रिवोल्ट करा था. ठीक है, कसाई खाना मूवमेंट तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो गौवंश कह सकते हैं कि गौवध, मतलब जो गायों को मार कर उनकी जो स्किन या उनकी जो भी चीज़ें थी यूज करके ब्रिटिशर्स जो चीज़ें कर रहे थे, तो माखन लाल चतुर्वेदी ने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करा था. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब जो इसकी मेन चीज़ है कसाई खाना मूवमेंट की, ये थी कि माखन लाल चतुर्वेदी ने इसके बाद एक कर्मवीर करके इन्होंने न्यूज़पेपर या मैगजीन थी वो, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर. ठीक है, कर्मवीर वॉज अ न्यूज़पेपर. ठीक है, इन्होंने इसी मूवमेंट के बाद, इसी के रिवॉल्ट के बाद इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन या उसका जो था पब्लिकेशन चालू कर दिया था. कर्मवीर का बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मवीर. और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पता होना चाहिए, मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ, इनको क्या कहते थे हम, एक भारतीय आत्मा. ठीक है, इनकी भोपाल में जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है, तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मध्य प्रदेश, तो इनका नाम हमको याद करके चलना है. ठीक है, तो क्या क्या होगा कसाई खाना मूवमेंट पे, 1930 में ये हुआ है. ठीक है, अगेंस्ट दी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स हुआ है, और क्या पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, गौवध है ना, जो गायों को मार के उनकी स्किन वगैरह यूज करते थे, उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवॉल्ट कराया. किस जगह से कराया, सागर के रतौना से इन्होंने कराया. और इसका कंक्लूजन में आप ये लिख देंगे कि कर्मवीर जो न्यूज़पेपर था उसका पब्लिकेशन भी इसी के बाद से चालू हुआ है. ठीक है, ये हो गया है. दूसरा देखो, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन करके रखे हैं, बाकी जो छोटे छोटे मूवमेंट्स थी वो मैंने मेंशन नहीं करके रखी, मैं वो आपको बता देती हूँ. ठीक है, वो कौन कौन सी थी, प्रजामंडल, स्त्री सेवा दल देख लेंगे पहले हम. ठीक है, स्त्री सेवा दल. ठीक है, ये कब बना है, स्त्री सेवा दल बना है, ये स्वामी ज्ञानंद एक जो थे उनके लीडरशिप में इसका फॉर्मेशन हुआ था 1931 में. ठीक है, कब हुआ स्त्री सेवा दल का फॉर्मेशन, 1931 में हुआ है, और किसकी लीडरशिप में हुआ है, स्वामी ज्ञानानंद. ठीक है, ज्ञानानंद की लीडरशिप में हुआ है, और किस जगह हुआ है, रतलाम में. ठीक है, रतलाम में हुआ था इसका फॉर्मेशन स्त्री सेवा दल का. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इसमें आप बता देंगे 1931 में बना है, रतलाम में बना है, और किसके लीडरशिप में बना है, स्वामी ज्ञानानंद की लीडरशिप में बना है. ठीक है, और इसकी जो डिमांड्स थी वो क्या थी, अगर हम इसकी डिमांड देखो, इसकी कसाई खाना की डिमांड हमने देख ली कि गौवध मतलब गायों की जो डेथ थी उनको रोकना था. स्त्री सेवा दल की डिमांड ये थी कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो सोशल वेलफेयर, ये इनकी डिमांड थी. क्या इनकी डिमांड थी, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए. ठीक है, सोशल वेलफेयर भी इन्होंने ये अपना जो डिमांड है वो रखी थी. ठीक है, तो स्त्री सेवा दल 1931, स्वामी ज्ञानानंद, रतलाम, और सोशल वेलफेयर विद इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये थी इनकी डिमांड्स हो गई कंप्लीट, दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए हमारे. तीसरा हम देख लेंगे प्रजामंडल. देखिए छोटे छोटे मैंने नहीं लिखे है ना, तो डोंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्शन ना बताया इस पर. तो प्रजामंडल, प्रजामंडल कब बना है, प्रजामंडल 1934 में रतलाम में, और 1938 में भोपाल में बना है. 36 ईयर है. ठीक है, 1934 में झाबुआ, सॉरी झाबुआ है ना, इट इज़ नॉट रतलाम, झाबुआ में बना है 1934 में, और 1938 में बना है भोपाल में. किसके अगेंस्ट बना है, जो हरिजन मूवमेंट था, छुआछूत, बॉयकॉट, इन सारी चीज़ों के लिए प्रजामंडल का गठन हुआ है, प्रजामंडल का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, शराबबंदी वगैरह है ना, हरिजन जो
दलित वगैरह, उनका वेलफेयर है ना, और शराबबंदी और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये सारी चीज़ों के लिए प्रजामंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कब? 1934 में झाबुआ में हुआ है, 1938 में भोपाल में हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि भोपाल में प्रजामंडल कब बना है, क्योंकि इसका बाद में हम रेलेवेंस देखेंगे कि प्रजामंडल आगे चल के क्या चेंजेस हुए हैं उसमें। ठीक है, 1938 में भोपाल में ये बना है। ठीक है, ये हो गया हमारे तीन ऑर्गेनाइजेशन, कसाई खाना, स्त्री दल और प्रजामंडल। ठीक है, तीन हो गए। नाउ विल गो टू अ नेक्स्ट मूवमेंट, कौन सा है? चरण पादुका। चरण पादुका मूवमेंट, 14 जनवरी 1931। 14 जनवरी को क्या होता है? 14 जनवरी को होता है हमारी संक्रांति, मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को। तो जैसे कि हम कहें, सबसे इम्पोर्टेंट चरण पादुका मूवमेंट का अगर हम देखें तो ये है कि जैसे कि जलियांवाला बाग हुआ था ना बैसाखी के दिन, जलियांवाला बाग कांड, इस ऐसे ही मकर संक्रांति के दिन मध्य प्रदेश में छतरपुर की जो जगह है चरण पादुका, वहाँ पर सेम चीज़ रिपीट हुई। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जलियांवाला बाग कांड मैसेकेयर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकेयर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बैसाखी के दिन हुआ था और इसको मकर संक्रांति के दिन हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे बता देंगे कि इसको ये कहते हैं, इससे तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इस आंसर को। उसके बाद कहाँ, जगह बता देंगे, जगह कौन सी है? छतरपुर। ठीक है, छतरपुर में एक जगह है चरण पादुका, वहाँ, और ये जगह कहाँ पर है? ये है उर्मिल, उर्मिल जो रिवर है उसके बैंक्स पर। ठीक है, उर्मिल के बैंक्स पर ये वाली जगह है। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर मेला लगता था, है ना, हमेशा मेला लगता था उर्मिल की, उर्मिल जो नदी है उसके किनारे पर चरण पादुका एक जगह है, वहाँ पर मेला लगता था। ठीक है, छतरपुर में ये जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग कलेक्टिव इकट्ठा हुए थे वही रिवोल्ट या कुछ बातें करने के लिए, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था वही हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो यहाँ पे जो जनरल का नाम याद रखेंगे हम, कर्नल फिशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्नल कौन था? फिशर। कर्नल वहाँ पे जनरल डायर था, नाम हमें याद है, यहाँ पे कर्नल फिशर था। तो इसने क्या करा, इसने वहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो अनआर्म्ड लोग कलेक्ट हुए थे है ना, उन पे इन्होंने क्या करा, उन पे इन्होंने फायर करवा दी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ऐसे ही हुआ था कि जो उर्मिल नदी के किनारे था, तो उर्मिल नदी में बहुत सारे लोग कूद गए थे, जैसे जलियांवाला बाग में अगर हम देखें तो कुएं में बहुत लोग कूद गए थे, तो यहाँ पर उर्मिल नदी में बहुत कूद गए थे। तो कहते हैं कि वो नदी मतलब लाल नदी हो गई थी, है ना, इट गॉट रेड बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ, है ना, ये जो किलिंग हुई थी उसके बाद ब्लड ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया था। तो हम क्या क्या याद रखना है चरण पादुका के बारे में, कि इट इज नोन एज ए जलियांवाला बाग मैसेकेयर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कब? इट टेक्स प्लेस ऑन 14 जनवरी 1931, और प्लेस मेंशन करके लिख देंगे हम कि इन द छतरपुर, इन द चरण पादुका रीजन, चरण पादुका प्लेस ऑफ छतरपुर, ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, और क्या हुआ था इसकी थोड़ी स्टोरी लाइन बता देंगे कि जो लोग इकट्ठा हुए थे उसके में, जो कर्नल फिशर था, उन्होंने अनआर्म्ड लोगों पर फायर ब्रोक करा दी थी, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, और क्या हुआ था, और उर्मिल के बैंक्स पे हम बता देंगे, उर्मिल के बैंक्स पे हुआ था। और उसकी एक और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हाँ, अब मेला लगता है ये भी बता देंगे हम। और एक चीज़ ये बता देंगे कि ये बुंदेलखंड के एक जर्नलिस्ट है ना, रविंद्र ब्यास। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। रविंद्र ब्यास एक बुंदेलखंड के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मतलब एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि जैसे कि हमने बताया था ना कि उर्मिल नदी के किनारे पे इस जगह पर मेला लगता था, तो उन्होंने एक लाइन कोट करी थी। आप अपने आंसर में कोट इंक्लूड, मतलब इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। क्या इन्होंने कोट करके बोला था? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, क्योंकि मेले तो लगते हैं। ठीक है, और वहाँ पे शहीदों की चिताओं भी हमें देखने मिलती है, बहुत सारे लोग जो शहीद हुए थे वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये कोट करके, क्वेश्चन है रविंद्र व्यास कौन है, ये बुंदेलखंड के बड़े जर्नलिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए ये है। हाँ, और इसमें शहीद कौन कौन हुए थे ये नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके जो बड़े 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 क्या मतलब मेजर जो शहीद हुए थे उनके नाम क्या क्या है? सुंदरलाल, सेठ सुंदरलाल। ठीक है, कौन है? सेठ सुंदरलाल, हल्के कुर्मी, कुछ ट्राइबल्स भी थे क्योंकि, ठीक है, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी, ठीक है, रामलाल कुर्मी, और कौन है? रघुराज सिंह और धर्मदास, धर्मदास खिरवा। ठीक है, कौन है? रघुराज सिंह और धर्मदास खिरवा। ठीक है, धर्मदास खिरवा नाम याद रखेंगे, धर्मदास खिरवा। तो ये थे जो कुछ छह
शहीद हो जो लोग शहीद हुए थे, ठीक है, सेठ सुंदरलाल, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी, ठीक है, और धर्मदास खिरवा और रघुराज सिंह, ठीक है, ये इस मूवमेंट में शहीद हो गए थे बिकॉज ऑफ जो ब्रिटिशर्स ने फायर ब्रोक कराई थी, ठीक है। तो हमें चरण पादुका इंसिडेंट के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, कर्नल फिशर का नाम हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इसको जलियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश, जलियांवाला बाग कांड ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं, ये भी हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब आ गए हम अपने नेक्स्ट वाले इंसिडेंट या मूवमेंट में, पंजाब मेल मर्डर, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो नहीं मरे थे पहले, जो हमारे शहीद थे, इन्होंने क्या करा, खंडवा से जो पंजाब में जो एक ट्रेन है आज भी है ना, खंडवा से चलती है ये वाली, खंडवा वाले रीजन से चलती है ये ट्रेन, ठीक है। तो क्या करा, हमारे जो इंडियंस थे, इंडियंस रिवॉल्यूशनरी थे, नाम क्या क्या है, यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी, ठीक है, क्या नाम है, यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक ब्रिटिशर जो लीडर था वो इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने, उसका नाम था जी आर हेकस्ट, ठीक है, क्या नाम था उसका, जी आर हेकस्ट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसकी हत्या कर दी, इन दोनों ने क्या करा, इसको मार दिया, जी आर हेकस्ट को जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, 24 जुलाई 1931 को उन्होंने ये करा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, ठीक है, उसके बाद पकड़ने के बाद इन लोगों को फांसी दे दी गई, और इनके साथ इनका एक और मेंबर भी था, एक मेंबर को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई, मतलब पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया गया था, ठीक है, इनको हैंग टिल डेथ वही फांसी दे दी गई थी। तो पंजाब मेल मर्डर का हमें डेट याद रखनी है, डेट हमें सारों की अच्छे से याद रखनी है, 24 जुलाई 1931, ठीक है। मेन इसके जो रिवॉल्यूशनरी वो कौन थी, यशवंत सिंह, देव नारायण, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जी आर हेकस्ट, ब्रिटिश जनरल का जो भी, ब्रिटिश कमांडर जो भी रहे, ब्रिटिशर्स का लीडर, उसका नाम भी हमको याद रखना है, उसमें चरण पादुका में कर्नल फिशर था, और इसमें कौन थे, जी आर हेकस्ट, इन्होंने जो पंजाब मेल में ट्रेवल कर रहे थे, इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, कब, 24 जुलाई 1931, उसके बाद इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ कर फांसी दे दी थी, ठीक है, ये याद रखना है हमें इसके। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, हमारा सोहोवाल मैसेकियर, सोहोवाल कहाँ है, सोहोवाल इज अ प्लेस, सोहोवाल इज अ प्लेस इन सतना, ठीक है, कहाँ पर है ये, सतना में है, ठीक है, और इसको ना महाजन गोलीकांड भी कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं इसको महाजन गोलीकांड, महाजन गोलीकांड, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ना, महाजन गांव वहाँ पे हुआ था, ठीक है, सतना का अगर हम प्रॉपर जगह देंगे तो महाजन गांव, ठीक है, वहाँ पे हुआ था सोहोवाल इंसिडेंट, कब हुआ था, 19 जुलाई 1938, नहीं है ये 1938 ही है, ओके 1938 को हुआ था, 19 जुलाई 1938 को सोहोवाल मैसेकियर, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे ना, उन्होंने हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरी को मार दिया था, और वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी के नाम क्या क्या है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह के जो थे उन, ठीक है, तीन लोगों को इन्होंने मारा था, ठीक है, तीन लोगों की डेथ हुई थी इसमें, कौन कौन तीन लोग थे हमें याद रखना है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, ठीक है, और कौन थे, और हमारे मंधीर पांडे और रामाश्रय गौतम, ठीक है, मंधीर, उनके नाम तो मुझे भी आते हैं, मंधीर पांडे और रामाश्रय गौतम, ठीक है, इतने लोग थे, क्या कर रहा था, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इनकी जो लाल बुद्ध प्रताप सिंह है, इनकी एक लीडरशिप की, इनकी लीडरशिप में एक मीटिंग काइंड ऑफ चल रही थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सोल्जर्स ने अगेंस्ट इनकी मीटिंग, मतलब रिवॉल्यूशनरीज थे ऑब्वियसली, तो उनके अगेंस्ट इन तीनों को गोली मार दी थी, कब, 19 जुलाई 1938 को, ठीक है। और सोहोवाल जगह कहाँ है, हमें जगह याद रखनी है, सतना में महाजन गाँव में, और इसी इसीलिए इसको महाजन गोलीकांड भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्या क्या बताना है, डेट बतानी है, जगह बतानी है, सतना, माजनगांव, सोहोवाल, ठीक है, लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंधीर पांडे, रामाश्रय गौतम, तीनों हमें नाम याद रखने हैं, इन पे गोली चला दी थी, है ना, क्योंकि इनकी मीटिंग हो रही थी उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे चारों ये इंसिडेंट्स कवर। उसके बाद और कोई इंसिडेंट बचा है, तो एक और था चावल आंदोलन, है ना, मतलब चावल, चावल आंदोलन कह सकते हैं कि हाँ, चावल मूवमेंट जो हुआ था, एक राइस मूवमेंट, और कहाँ हुआ था, ये रीवा में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, राइस मूवमेंट रीवा में हुआ था, क्या हुआ था कि, है ना, जो चावल उगाने के लिए जबरन टैक्स लगवा रहे थे वो, है ना, टैक्स वैक्स के चक्कर में, टैक्स वैक्स के अगेंस्ट में ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है, और ये कब हुआ था, 28 फेब 1947, याद रखना है, ठीक है, रीवा में याद रखना है, डेट याद रखनी है, जगह क्या है, रीवा, और डेट याद रखनी है, 28 फेब 1947 याद रखना है, ठीक है, और वही जबरन चावल उगवाने के लिए इन्होंने
जो ब्रिटिश मतलब टैक्स लगाने के लिए लोगों ने आंदोलन चालू करा, उसके अगेंस्ट में क्या करा, फिर ब्रिटिशर्स एक ही काम करते थे, गोलियां चलवा देते थे, तो उन्होंने फिर गोलियां चलवा दी, किस किस पर गोली और किस किस की डेथ हो गई थी इसमें, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी, ठीक है, कौन इनमें कौन से नाम है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी, ठीक है, ये दोनों लोगों की जो ब्रिटिशर्स ने गोलियां चलवाई थी, तो उसमें इन दोनों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, राइस मूवमेंट भी एक था, कहाँ हुआ था, रीवा में हुआ था, 28 फेब 1947 को हुआ था, है ना, फोर्सफुली राइस का कल्टीवेशन करवा रहे थे, इसके अगेंस्ट में ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑफेंड होकर ब्रिटिशर्स ने गोली चलवा दी, ठीक है। और कौन कौन के शहीद हो गए थे इसमें, त्रिभुवन तिवारी और भैरव तिवारी, ठीक है, इतने इंसिडेंट्स हो गए हमारे, कौन कौन से, कसाई खाना, स्त्री दल, हमने प्रजामंडल भी देख लिया, चरण पादुका हो गया है, पंजाब मेल हो गया है, सोहोवाल हो गया है, और हमारा राइस मूवमेंट, ठीक है, इतने मूवमेंट्स हुआ। ये देखिए मैंने फोटो ऐड करी, 14 जनवरी 1931 को बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग में सभा पर अंग्रेजों ने किया था नरसंहार, ठीक है, ये न्यूज में आया था। और आज भी सिर्फ ये इतना ही मॉन्यूमेंट बना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने मतलब म्यूजियम या कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाया है, जिसके लिए आज भी गवर्नमेंट मतलब लोग डिमांड करते रहते हैं कि इतने सारे लोग शहीद हुए थे, तो यू शुड एटलीस्ट टेक दिस इनिशिएटिव टू, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो बचे बचे हुए हैं, बचे मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली चंद्रशेखर आज़ाद, 1906 है ना, अलीराजपुर भाभरा में पैदा हुए हैं, पता है हमको ही कहाँ इनका बर्थ हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भाभरा में 1906 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 23 फरवरी 1931 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 27 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये दोनों डेट्स हमको अच्छे से याद रखनी है, 1906 अलीराजपुर के भाभरा में इनका जन्म हुआ था, और 1931 में 27 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है हमें इनकी। इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये भी पता है हमको, इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, कि अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है, तो उसके बाद जो अल्फ्रेड पार्क है ना, अल्फ्रेड पार्क को नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ही रखा गया है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलता है कि जो परियोजना है, एक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से एक परियोजना भी है, तो इनके ऑनर में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मतलब हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली कंटिन्यूसली करती ही रहती है। तो इनके बारे में याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, इन अलीराजपुर, इन भाभरा, इन अलीराजपुर, इन 1906, ठीक है, एंड ही वॉज सीधे डाई ने, ऑब्वियसली उनका बीच का कोर्स ही बताएंगे, काफ़ी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भी, आपको पता है ना कि थोड़े दिन भेष बदल कर रहे थे, तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भी ये रहते थे, ठीक है, ये याद रखना है हमें इनके बारे में, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, ठीक है, पूरा नाम भी हमें इनका याद रखना है, क्या था इनका पूरा नाम, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जो हमारे वो आशुतोष राणा जैसे मनोज पांडे आए, मनोज मुंतासिर, ठीक है, उन्होंने एक इनके बारे में बोल दिया था ना कि जियो तिवारी जनेऊ धारी, तो इस पर काफी ज्यादा कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हो गई थी कि आप जनेऊ धारी को प्रमोट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। तो जैसे कि मैंने इनकी फोटो ऐड करी, देखिए ये हमेशा जनेऊ पहनते थे, ठीक है, तो इनका नाम क्या था, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, ये आपको याद रखना, फोटोज एक बार देखते चला करें, थोड़ा सा दिमाग में इमेज की फॉर्म में अगर आप याद करती हैं तो ज़्यादा टाइम तक स्टे हो, मतलब ज़्यादा बेटर स्टे होता है वो दिमाग में, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने इतनी चीज़ें देख ली, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न इन अलीराज वॉज बॉर्न इन भाभरा अलीराजपुर इन 1906, ठीक है, एंड ही डाइड ऑन 27 फरवरी 1931, उसी दिन इसकी इनकी डेथ एनिवर्सरी भी हम मनाते हैं, पता ही है हमको कहाँ पर, अल्फ्रेड पार्क में ही डाइड, और जिसकी वजह से अल्फ्रेड पार्क का जो नाम है वो भी चेंज होकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में एक परियोजना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना स्कीम जो होती है ना, वो उसका नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों देख लेंगे, ये काय से रिलेटेड है, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, पता है हमको इनकी इनका बर्थ कब हुई थी, 1940 में, और 2006 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज में मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, जिसकी वजह से इन पे इम्पीचमेंट काइंड ऑफ सॉरी मतलब उसका केस लगाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे मध्य प्रदेश में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि इनका बर्थ 1914 में कहाँ हुआ था, शिवपुरी में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ, शिवपुरी में हुआ था, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों वॉज रिलेटेड टू शिवपुरी, वॉज बॉर्न इन शिवपुरी 1914, एंड ही इज रिलेटेड टू आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है, जब INA ट्रायल्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना, तो गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का नाम हमने देखा है,
और 2006 में, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं है, तो इनकी डेथ 2006 में हुई है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बरकतुल्ला, ये तो बहुत बड़ा नाम है, भोपाल में पूरी यूनिवर्सिटी है इनके नाम पे, तो मोहम्मद बरकतुल्ला के नाम पे, ठीक है। ये मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली ऐसे करके इनका पूरा नाम प्रचलित था। ये जो फोटो देखो आप, ये मैंने फोटो बरकतुल्ला जी की ही ऐड करके रखी है, ठीक है। तो हम बता देंगे मोहम्मद बरकतुल्ला कौन थे। 1854 में ही वॉज बॉर्न इन भोपाल, ठीक है। 1927 में इनकी डेथ हुई थी, 1927 में भी 20 सितंबर को, ठीक है। अपन को डेट भी याद रखनी है, 20 सितंबर को, 20 सितंबर 1927 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हुआ थी, तो जैसे हम देखते हैं 1913 में गदर पार्टी बनी थी ना हमारी, 1913 में गदर पार्टी किस किसने बनवाई थी, लाला हरदयाल सिंह और राजा महेंद्र प्रताप के साथ साथ, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गदर पार्टी 1913 में, मोहम्मद बरकतुल्ला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है इनके बारे में, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना है कि अफगानिस्तान के काबुल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। कब वो फॉर्म हुई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट? 1 दिसंबर 1915 को, ठीक है। कब फॉर्म हुई थी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 दिसंबर 1915 को एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। अफगानिस्तान काबुल में फॉर्म हुई थी, तो उसके प्रेसिडेंट, मतलब उसके हेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही थे, ठीक है। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन काबुल ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और ही वॉज राइटर ऑल्सो, इन्होंने कुछ द स्वॉर्ड ऑफ, मुझे एक्चुअल नाम याद नहीं है, मैंने मैंशन भी नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि इनकी, इन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ें लिखी भी थी, तो कौन कौन सी थी वो, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1915 को प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्होंने बना दी है, ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हाँ, इनकी डेथ जो हमने देखा 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में ही वॉज डाइड, और ये पैदा कब हुए हैं? 1854 भोपाल में ही वॉज बॉर्न, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या बता, इनका क्या बता देंगे कि जो, हाँ, इनके ऑनर में, जैसे आपको इनका आंसर अगर कंक्लूड करना है तो आप इसी से कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके ऑनर में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जो भोपाल की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो इनके नाम पर रखी, इनके नाम पर उसका नामकरण किया गया है, ठीक है। और जैसे कि अब ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है, जैसे कि वेन यू विल क्लियर मीन्स, तो जब आप मॉक वगैरह देते हो, जब मैं मॉक देती थी, तो आई एम फ्रॉम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तो जब आप मॉक देते हो ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में व्हेन दे सी, तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखते हैं, तो दे यूजुअली आस्क कि ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चलिए बताइए कि आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, इनके बारे में कुछ बताइए, हुवस बरकतुल्ला, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें सिर्फ आप एमपीपीसी के ऑब्जेक्टिव लगाने या फिर मेन्स में आंसर लिखने, और भी 10 प्रस्पेक्टिव के साथ आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे तीन चीज़ हो गई हैं। अब हमारे महादेव तेली, महादेव तेली तो वैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कवर कर लिया था। क्या कवर किया था महादेव तेली के बारे में? महादेव तेली कहाँ से बिलोंग करते थे? बैतूल के प्रभातपट्टनम, एक जगह है वहाँ से, ठीक है। 12 अगस्त 1942 डेट तो मैंने मैंशन कर ही दी है। 12 अगस्त को क्या था? 12 अगस्त को बैतूल में प्रभात, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, बट आई शुड रिपीट इट कि आपका रिवीजन एंड ऑफ ही हो जाएगा, कि 12 अगस्त 1947 को बैतूल का जो प्रभातपट्टनम एक जगह है, वहाँ पे मार्केट लगता था, तो वहाँ पे मार्केट लगा हुआ था, और लोग क्विट इंडिया मूवमेंट से एंथुजियाज ओके मतलब एंथुजियाज विद फुल ऑफ लाइक मोटिवेशन और फुल ऑफ एक्साइटमेंट वहाँ पे कलेक्ट हुए, और इन्होंने गुरुबख्श सिंह सॉरी महादेव तेली जी ने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स थे उनके कपड़े फड़वा उड़वा के उन्होंने क्या करा, उनको खादी के क्लोथ फोर्सफुली पहना दिए, जिससे ब्रिटिशर्स ऑफेंड हो गए, और उन्होंने पूरे मार्केट में लोगों पर गोलियाँ चलवा दी। गोलियाँ चलवाने में क्या हुआ कि महादेव तेली जी को गोली लग गई और इनकी डेथ हो गई, इसीलिए इनको शहीद मानते हैं, और इनको इस वाले पीरियड से हम रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, मोहम्मद बरकतुल्ला, महादेव तेली, ठीक है। इनकी सारी डिटेल्स, इनकी बर्थ, इनकी डेथ और इनसे रिलेटेड जो मेजर फैक्ट है, वो हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ही आ गया है, और एक और लीडर थे, हाँ एक और लीडर थे जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, वो थे हमारे वीर उदय चंद्र जी, वीर उदय चंद्र जी, ये कौन थे? तो ये हम देखेंगे कि इन्होंने क्या करा था, कि इन्होंने जब व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, जब ये 20 साल के थे, तो इन्होंने मंडला जो एक जगह है, मंडला से इन्होंने क्या करा, इन्होंने मंडला से जुलूस और आंदोलन, मतलब रिवॉल्ट ही करा था अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट करने कह सकते हो, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के कोर्स के समय ही इन्होंने अपना मंडला से, जब ये 20 साल के थे तब इन्होंने रिवॉल्ट करा था, ठीक है। और 1942 में
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको मार दिया था, ठीक है, मतलब इनको भी इसीलिए शहीदी मानते हैं। तो 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का ही उसी समय का है, तो ब्रिटिशर्स ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो नाम क्या है, वीर उदय चंद्र जी, ठीक है, 20 साल की उम्र में। कहाँ से, एरिया याद रखेंगे इनका, मंडला, मंडला रीजन से इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट, एज अ सपोर्टर इन्होंने रिवॉल्ट करा था। और 1942 में इन्होंने, इनको अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और जो हमारी चीज़ें बची हुई थी वो बाकी, और हम क्या देख लेंगे, और हमारा क्या छूट रहा है, सराफा सत्याग्रह भी हमने पढ़ ही लिया है। एक और इंसिडेंट देख लेंगे हम कि हाँ, कि जो हमारे वो थे ना स्वामी विवेकानंद जी, इनका एक इंसिडेंट है, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आप हर चीज़ को एमपीपीएससी से ही नहीं देख सकते, इन जनरल भी आपको बस पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी भी मध्य प्रदेश एक बार आए थे। कब आए थे, जब शिकागो सम्मेलन जब हमारा हुआ था ना 1893 में, जब इन्होंने भाइयों बहनों कह के संबोधित किया था, तो उस समय जब ये गए थे तो शिकागो में, तो उसके पहले इन्होंने क्या करा था, ये मध्य प्रदेश आए थे। मध्य प्रदेश में किस जगह आए थे, खंडवा, है ना, खंडवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, जो जिला है खंडवा, वहाँ आई थी ये, ठीक है। और यहाँ के जो नगर पालिका के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, एट दैट टाइम कौन थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था हरिदास चैटर्जी, उनके पास ये आए थे, ठीक है, हरिदास चैटर्जी, ठीक है, उनके उनके दर इन्होंने, मतलब एज अ गेस्ट ये आए थे स्वामी विवेकानंद। तो अगर कभी पूछते हैं कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं ना, इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद कब मध्य प्रदेश आए थे, या कब इन्होंने मध्य प्रदेश का दौरा किया था। तो 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले ही मध्य प्रदेश के खंडवा में आए थे, किसके पास आए थे, उस समय के जो नगर पालिका के हेड थे हरिदास चैटर्जी, उनके पास आए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। और क्या हो गया हमारा, और क्या छूटा था हमारा, हाँ, इस टाइम पे हमने एक चीज़ और छोड़ दी थी कि जो सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, कब हुआ था सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मैं एडिशनल चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था हमारा 1932 में, ठीक है, 1932 में हुआ था। तो इस समय क्या हुआ था, इस समय महात्मा गांधी जो थे ना जबलपुर आए थे फिर से, ठीक है, जबलपुर आए थे, क्यों आए थे ये फिर से, 1933 में आए थे, ठीक है, 1933 में, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गई थी ना, तो महात्मा गांधी उसके बाद 1933 में जबलपुर आए थे। और इन्होंने क्या करा था कि जबलपुर में जो हरिजन छू अछूत आंदोलन चल रहा था ना, कि जो अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी एक रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने उसका अपोज किया था जबलपुर में आके, ठीक है, 1933 के टाइम पे। ये क्या है, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब का समय है सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1932, और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से फेल हो गया था, तो 1933 के समय पे महात्मा गांधी जबलपुर का दौरा इन्होंने किया था, और जो एक हरिजन छू अछूत मूवमेंट चल रहा था उसका इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं इनके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 1885 से 1947, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने सारे अपने लास्ट वीडियो, और इस वीडियो में सारे वीडियोस में इसमें हमने सारे सेशंस कवर कर लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और हिस्ट्री ऑफ आईएनएम भी हमने कवर कर लिया है, सारी मूवमेंट्स गांधी जी के रिस्पेक्टिव में जो मूवमेंट्स थी, है ना, वो कवर कर ली है। उसके बाद हमने सारे सत्याग्रह कवर कर लिए हैं, अदर मूवमेंट्स जितनी थी वो कवर कर ली, इसमें जो लिखी हैं वो, उसके अलावा भी हमने सारी मूवमेंट्स कवर करी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो मेजर लीडर्स थे जो हमारे छूट गए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये आंसर तो हमने पहले देख लिया था कि झंडा सत्याग्रह पे हमको कैसे आंसर फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारा हो गया है, बाकी और सारे भी हमने आंसर फॉर्मेट में देख लिए। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट इंडियन कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम अब आर्ट फॉर्म्स, बेसिकली मध्य प्रदेश के जितने भी आर्ट एंड कल्चर है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।